चलिए शुरू करो। माय लॉर्ड, इन फाइनल हियरिंग लिस्ट आइटम नंबर 3, माय लॉर्ड आस्क टू कंसल्ट विद द क्लाइंट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज। माय लॉर्ड, देयर वाज अ मनी डिक्री। माय लॉर्ड, कौन वाला? माय लॉर्ड, हां तो करो ना, पूछो। माय लॉर्ड, पूछ लिया है तो ही इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। माय लॉर्ड, एंड करो थोड़ा बहुत छोड़ के ले लवा लो। माय लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन वी हैव कम अप विद अ अमाउंट। माय लॉर्ड, इफ दे आर रेडी टू पे दैट। माय लॉर्ड, कितना अमाउंट है? माय लॉर्ड, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ चेक, माय लॉर्ड, and till realization till now, my lord, it is coming around, my lord, 358,000. मान के चलो आप 138 लगाते तो कितना पैसा मिलता आपको? मान लो 138 लगाते चेक का, दावा नहीं लगाते, तो कितना पैसा मिलता? My lord, at that time, यानी क्यों भी हो, चेक बाउंस नहीं हुआ था 138 में, तो कितना पैसा मिलता मान लो? My lord, चेक बाउंस नहीं हुआ था, तो चेक बाउंस 138 नहीं बनता। कोई बात नहीं, आज बहस कर दो आप ना, आप बहस कर दीजिए, मेरे को जो अच्छा लगे करूंगा। यदि वो इतना जिद लगा हुआ है, जितना पैसा आया उसमें कितना पैसे का चेक था? इट वाज ऑफ 74,000, लॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा डबल, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, या पूरी डिग्री पलट दूंगा मैं। समझा दो अभी आप, 110,000 समझा दो, मैं डिग्री पलट दूंगा, और यदि या तो डबल ले ले बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ब्याज ब्याज जो भी लगा लो आप। ट्रायल कोर्ट हैज ग्रांटेड 20% इंटरेस्ट। मैंने कह दी ना उसको, मैसेज दे दो आप, वो सुन लिया हो तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा डबल। वो नहीं चलेगा, हमने जिंदगी भर के लिए 10 लाख रुपए बना दो आप, 75,000 रुपए, वो तो नहीं चलेगा। जो भी हुआ झगड़ा आपस में आपका, ज्यादा से ज्यादा डबल, कितना मिल गया उसके में और लगा लो डबल का। मैं और जैसा सामने वाले वकील साहब से बात कर लेंगे, उसको बोल दो डबल से ज्यादा नहीं मिलेगा, या मुझे जो है जो करना होगा फिर करूंगा मैं। कह दो, समझा दिया करो, ये लालच बुरी बला होती है। मतलब हम तो रिस्पॉन्डेड है, हमारे तो फेवर में डिग्री थी। मतलब अपील में तो फेवर में हो, लेकिन जो है आप सोचो कि वी आर नॉट एट फॉल्ट, मतलब बिकॉज़ मतलब छोटे मुकदमों में इन आवर फेवर, मतलब द डिग्री वाज इन आवर फेवर, मतलब दे आर कम टू डिग्री पलट भी तो सकती है, उसमें क्या है? फर्स्ट दैट इज ट्रू, बट वी हैव नॉट डिलेड द प्रोसेस, मतलब दैट वाज। कोई बात नहीं, आप उसको बोलो कि डबल पैसे टोटल में राजीनामा करे तो करे, नहीं तो नहीं कर, कर लो, नहीं तो फिर लौट आने को तैयार है बकाया पैसे। आइटम नंबर 67, क्योंकि वो मैटर ऐसा दिख रहा है आपके खाते में पैसे गए ना, मिलोट वो गए ना, आई डेमोंस्ट्रेट मिलोट गए ना, गए मिलोट, हमने नहीं, मान लो हमारे समझ में नहीं आया एक्सप्लेनेशन तो क्या होगा, डिग्री पलट जाएगी ना। कोई हमारे समझ में नहीं आया, मान लो आप समझाओगे हमें, नहीं समझ में आया तो उसका दूसरा वो भी तो देखो पहलू। इतने छोटे छोटे मैटर में आप हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का इतना समय जो है बर्बाद करते हैं, तो बार की बार मैटर निपट सकते हैं। तो मिलोड, हम तो रिस्पोंडेंट ही है, वो तो ऐसा मत सोचो आप, हो सकते हो। व्हाट आई हम्बली सबमिट मिलोड इज दैट डिले इज नॉट इन आवर पार्ट, मिलोड, बिकॉज़ इतना पैसा है, जितना पैसा है उसका डबल, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मिलोड, बात कर लो उससे, नहीं तो आप बहस करते ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? और मैं 100% उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, ये भी कह देना उसको, पहले से बता रहा हूँ आपको फैसला। मिलोड तैयार है, 1 लाख रुपए लौटाने के लिए।